पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवानों को रोटरी क्लब गोरखपुर ने सोमवार को गोलघर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। रोटरी क्लब के सचिव महावीर प्रसाद कंदोई ने कहा कि जगन कृत करके आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को शहीद किया है, उन्हें आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के साथ पूरा देश है। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व महापौर डॉ सत्या पांडे, शहर काजी वली उल्ला, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल सहित रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर सत्या पांडे और रोटरी क्लब के सचिव महावीर प्रसाद कंदोई ने कहा, फरवरी को सीआरपीएफ के जवानों पर जो आतंकवादियों ने एकीकृत किया है, वो शहीद जवानों को तब से ही हमारा पूरा देश अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रही है। आज उसी के तहत रोटरी क्लब द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा है। हम ऐसे समय में उनको शत-शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो सैनिक आज हमारे बॉर्डर पे हैं, उन्हें इतनी शक्ति दो, इतना उनको दीर्घायु करो, यशस्वी बनाओ कि कोई भी अगर मेरी माँ भारती की तरफ अगर तिरछी भी निगाहें लगाएं तो उनके गर्दन भी ना रहे, धड़ से अलग कर रहे और यशस्वी होके आए। हम सब उनकी तिलक करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते, साथ ही ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं भगवान, जो हमारे बीच के शहीद हो गए सैनिक, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को सहने की शक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान लगातार कहराना हमले कर रहा है। देखिए पाकिस्तान वो तो जो हुआ है और पाकिस्तान का कहराना हरकत, आप बताइए कि आज पूरा दुनिया उसके खिलाफ है, केवल चाइना उसका साथ दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करती हूँ कि चाइना का सामान ज़्यादातर हमारे देशवासी भी खरीदते हैं, हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यही पैसा जो जाता है हम लोगों के परिवार से जाता है, वही पैसा वो हम लोगों के अहित के लिए और ये जो आतंकवादी हैं उन पर खर्च होता है। इसलिए ये दृढ़ निश्चय कर लें कि चाइना का भी बेनकाब हो चुका है, पाकिस्तान तो वैसे भी पूरी तरह से बेनकाब था, बेनकाब है, अभी भी पूरी तरह से पूरी दुनिया उसे देख रही है और अब पाकिस्तान कब्रिस्तान बने, यही हम नारियों की मांग है, क्योंकि हम हमारे देश की नारियां संस्कारों से बंधी है, भाइयों के कलाइयों में राखी बांधती हैं तो पति के लिए तीज व्रत रहती हैं, बेटों के लिए जूतिया व्रत रहती हैं और पानी में खड़े होकर अर्घ भी देती हैं सूर्य षष्ठी के दिन। तो यही कह, और आज नारी रो रही है भारत की, तो पाकिस्तान की कोई नारी मुस्कुराहट में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान का जो नक्शा है दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा मिटना चाहिए। ऐसे हम नारियां ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से बार बार आग्रह आम जनमानस से करते हैं कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, चाइना भी बेनकाब है, चाइना के सामान का बहिष्कार करें और पूर्णता के साथ उसे भी वो दिन दिखाएं कि देखो हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, केवल हम लोग आंसू बहाना नहीं जानते हैं, आंसू के साथ हम लोगों के जिगर में इतनी हिम्मत है कि हम लोग पूरी तरह से तुम्हें नेस्तनाबूद करना भी जानते हैं। महावीर प्रसाद कंदोई, सचिव रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा दिनांक 14 फरवरी को एक नृशंस तथा जघन्य कृत्य करते हुए आतंकवादियों ने जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया, उनकी याद में उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए क्लब के सदस्य या और उनकी सहयोगी संस्थाएँ यहाँ इकट्ठी हुई है। हम लोग 40 जवानों की फोटो करके हर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि उनके तथा उनके परिवार वालों को यह आभास हो सके कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया है और पूरा देश उनके साथ है। धन्यवाद।